नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर शायद आपको ज्यादा इंडिया को सपोर्ट करते हुए नजर आए। कीर स्टार्मर जो कि लेबर पार्टी का बॉस है, ये बनेंगे अगले प्रधानमंत्री यूके के। कीर स्टार्मर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। कीर स्टार्मर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोक। जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि चुनावों की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंदर। ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए, ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए लेबर गवर्नमेंट आने के बाद कोई मजीद दरवाजे अभी खुलेंगे। कुछ फर्क पड़ेगा स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट के। अहम बात है कि इस बार के यूके चुनाव में 107 जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय मूल के हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। बात की कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें के हिंदूस के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटिमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट। बात ये कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। दुनिया में ये बात की जा रही है कि दुनिया में ग्रेट पावर्स बड़ी ताकतें तो मौजूद हैं लेकिन इस वक्त जो इंटरनेशनल सिस्टम का फैसला करने जा रहे हैं वो मिडिल पावर्स हैं और भारत जो है उनमें सर फहरिस्त है। दुनिया इंडिया को मिडिल पावर कह रही है लेकिन इंडिया इटसेल्फ कॉलिंग इटसेल्फ एज एस्पायरिंग ग्रेट पावर। जो स्टार्मर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है, इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की। कभी भी ऐसी जब भी कोई बात हुई जिसमें कि हिंदूस के हवाले से इंडियंस के लिए कोई ऐसे सेंटिमेंट नजर आए तो उन्होंने उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है। एक तो ये कि जाहिर है कि वो एक ऐसा जहन रखते हैं और जो सोच मैंने आपको उनकी बताई है जो उनका बैकग्राउंड है तो वो ये समझते हैं और इसके साथ साथ एक और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीर स्टार्मर कि एक और चीज़ भी मैं आपको ये बताऊं कि अब मिस्टर स्टार्मर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इलेक्शन की वजह से जो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा ताखिर ये पॉज आया था, अब ये कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर हम इसको ये देखें कि क्या आप ये समझते थे कि कोई भी यूके का प्राइम मिनिस्टर कोई भी नया आए तो क्या वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ऋषि सोनक इंडियन ओरिजिन से थे? ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि देखिए पूरी दुनिया में जो भी लीडर्स और जो भी कंट्रीज नज़र आते हैं कौन पागल होगा कि जो इंडियन इकोनॉमी के साथ ना जुड़ना चाहता हो? कौन सा वो लीडर होगा दुनिया का कि जो इंडिया के साथ बिजनेस ना करना चाहता हो? या कौन सा वो लीडर होगा बताइए मुझे कि जो ये कहे कि नहीं मुझे अपने कंट्री के लिए फ़ायदा नहीं चाहिए होगा तो मैं इंडिया से ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी आता और अब क्योंकि सर स्टार्मर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे तो वो तो पहले से ही जो मैंने आपको कहा कि काफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं, उनकी कई बैकग्राउंड ऐसा है, कई स्टेटमेंट्स वो ऐसे दे चुके हैं, जैसे कि उन्होंने ये भी कहा था एक दफ़ा कि देर इज़ एब्सोल्युटली नो प्लेस फॉर हिंदू फोबिया यूके के लिए। फिर उन्होंने जो पार्टनरशिप है इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमी की पार्टनरशिप उसके ऊपर भी कई मरतबा जोर दिया और इंडिया को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री के तौर पर वो देखते हैं और ऐसे ही समझते हैं। तो एक नया खास तौर पर जब एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है यूके का तो उसको तो ये चाहिए होगा कि वो अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करके दिखाए और अपने कंट्री की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उनको उसको ऐसे एक कंट्री की यकीनन ज़रूरत होगी कि जिसके साथ जब वो बिजनेस करेगा और इकोनॉमी अपनी जोड़ेगा और उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाएगा तो और उसको सपोर्ट करेगा तो उसकी कंट्री को और उसकी हुकूमत को फ़ायदा होगा। तो ये तो एक यानी इसके ऊपर कोई ऐसी दो राय होनी ही नहीं चाहिए और है ही नहीं। अपनी ही कंजर्वेटिव पार्टी में विरोध और गद्दारी झेल रहे ऋषि सुनक ने इस उम्मीद में वक्त से पहले चुनाव करवा दिए कि उनको ब्रिटेन की जनता का साथ मिल जाएगा लेकिन ऋषि सुनक इसमें चूक गए। अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की
कीर स्टार्मर बार बार मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। कीर स्टार्मर तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है उसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा। यानी ब्रिटेन की सत्ता से भारतीय मूल का एक हिंदू प्रधानमंत्री तो चला गया, लेकिन एक अंग्रेज भी भारतीयों की मदद से ही सत्ता में आया है। इस बार ब्रिटेन की नई संसद में भारतीय मूल के लोगों की संख्या भी बढ़ना तय है। पाकिस्तान को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कीर स्टार्मर के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी है कि ब्रिटेन में मुस्लिम शरणार्थियों को आने से रोका जाए, ब्रिटेन में बढ़ रहे इस्लामिक कट्टरवाद को रोका जाए, ब्रिटेन के अलग अलग शहरों में अपराध कर रहे पाकिस्तानी मूल के लोगों को देश से बाहर। अब ये कह रहे हैं इनके बदले बदले सुर हैं दोस्तों, लेबर पार्टी के सुर बदल गए। अब लेबर पार्टी ये कह रहा है कि हमें भारत के साथ आगे और अपने ताल्लुकात ले जाने हैं। जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो कि चुनावों की वजह से इनकी रुक गई थी और काफी सालों से जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो नहीं कर पाई थी, इन्होंने ये बोला है कि हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर देंगे इस साल के अंत तक, यानी कि 2024 के एंड तक हम फाइनलाइज कर देंगे। इन्होंने यहां तक बोला है कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है यूके और इंडिया के बीच में, उसमें जो एफटीए है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो फ्लोर है, वो सीलिंग नहीं है, यानी कि वो सिर्फ फर्श है, वो छत नहीं है, छत तो अभी पहुंचना है हमें, यानी कि वो बेर मिनिमम है। कहने की ये बात है, फर्श और छत से जो मुकाबला ये लोग कर रहे हैं या उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, उनका ये कहने का मतलब है कि ये तो कुछ भी नहीं है एफटीए, जिसको इतना हुआ बना रखा है पुरानी पार्टी ने, हम ये तो करेंगे ही करेंगे, हम इसको और आगे ले जाएंगे। इंडिया और यूके ने 13 राउंड एफटीए के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के 13 राउंड कंप्लीट उनके हो गए थे और इन्हांस करना है 38.1 अरब पाउंड की, 38.1 अरब पाउंड की एनुअल ट्रेड है भारत और यूके की, जिसको कहीं और आगे ले जाना ये लोग चाहते हैं कि 100 अरब पाउंड की हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू इयर्स और सो, अ डेकेड और सो, 100 अरब पाउंड की हो जाए, जो हो भी जाएगी। इंडिया बहुत कुछ यूके को बेच सकता है, यूके से बहुत कुछ ले सकता है। तो ये इनकी एक कमिटमेंट है कि हम लोग इसको करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा एक और बड़ा पॉइंट है कि डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन पार्टनरशिप इज लाइकली टू कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग बिल्डिंग ऑन रीसेंट मोमेंटम फ्रॉम 2+2 मैकेनिज्म एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट। तो देखिए, जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होती हैं, जो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होती हैं, डिफेंस होती हैं, वो चेंज नहीं होती हैं। लेकिन अच्छा, ये लेबर कह रहा है कि प्लान्स टू प्रमोट अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बेस्ड ऑन रूल्स बेस्ड ऑर्डर, ये वही एंटी चाइना वाला मैटर है, पूरा इनका एंटी चाइना वाला वही मैटर है जो अमेरिका बोल। नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनाव में शानदार जीत के लिए कीर स्टार्मर को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि भारत तो और ब्रिटेन सभी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे, आपसी विकास और समृद्धि को बढ़ावा देंगे, इस सकारात्मक और रचनात्मक सहयोग की उम्मीद करता हूं।